शामली जनपद में पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छात्र एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बाइक सवार दो लुटेरों की सूचना घटना के करीब करने की संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस से घेरा पाकर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में लुटेरों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक छात्र लुटेर के पैर में गोली लगी। एक अगस्त को एक दंपति थे जो गढ़ीपुरता थाना क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके साथ एक मोटरसाइकिल सवारों ने इसमें तीन व्यक्ति थे उसके साथ मारपीट करी थी, लूट करी थी और उसकी मोटरसाइकिल भी ले गए थे तथा उनकी पत्नी के कान में जो जेवर थे और गले में जो जेवर थे वो सब असलहा सटाकर इन्होंने छीन लिए थे, जिसमें उनको उनकी पत्नी को लूटे चोटें भी आई थी। और उसी दिन झिंझाना थाना क्षेत्र में भी एक लूट हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल लूटी गई थी। इस घटना पे संबंधित थानों पे मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के खुलासे के लिए। उसी के क्रम में हमारी टीमें लगी हुई थी, SOG और गढ़ीपुरता तथा थाना झिंझाना की पुलिस इसमें लगी हुई थी। इसी बीच में थाना पुलिस को तथा SOG को जानकारी प्राप्त हुई कि जो 1 तारीख की घटना में बदमाश थे वो इस क्षेत्र में भी किसी की भी लूट करने की फिराक में हैं और रात में आ भी सकते हैं। इसी क्रम में गाड़ाबंदी की गई थी, जानकारी प्राप्त हुई कि ये गढ़ीपुरता से देसवाल रोड है, इस पर बदमाश जाने वाले हैं। इसकी सूचना पे इस रोड की नाकाबंदी की गई थी, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिनको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस पार्टी के द्वारा। इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया है, पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है तो एक बदमाश घायल हुआ है, जिसका नाम अमन है और इसका दूसरा साथी शिवम जो फरार बताया गया है। अमन को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। हमारे पुलिस पार्टी के ऊपर भी इन्होंने फायर किया था, जिसमें एक आरक्षी हमारे घायल हुए हैं। शेष बदमाश की तलाश की जा रही है, पूरे जनपद में नाकाबंदी की गई है, बाकी सामान कुशलता है।